प्रातः क्लास चल रहा था 18/9/1967। तीसरे पेज के मध्य में लगभग बात चल रही थी कि हमारा बाबा जो हमको शिक्षा देते हैं, तुम बच्चे भी आत्मा कहते हो ना, जिस बाबा के लिए कहते हो आत्मा, कोई इसके लिए थोड़े ही कहते हो। किसके लिए? आत्मा। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की तरफ, इसके लिए बोला, इसके लिए थोड़े ही कहते हो, क्योंकि ये तो आत्मा बनता ही नहीं, देह रहते रहते। तो इसके लिए नहीं कहते हो। हमारा बाबा जो हमको शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं कि अपन को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो, ये बड़ी भारी मंजिल है। कि आत्मा समझ करके अपने बाप को और परमात्मा को समझते रहें घड़ी घड़ी, बहुत फेलियर होते हैं। किस बात में? अपन को आत्मा समझें और परमात्मा को याद करें, है? परमात्मा समझें बाप को, ये नहीं कहा परमपिता समझें। ये भारी मंजिल है, बहुत एकदम अच्छे अच्छे फील होते हैं। बाबा ने तो बहुत बारी समझाया, ये अच्छे अच्छे नंबर 1, 2, 3, 4, ये देही अभिमान में, देही अभिमानी में ठहर ही नहीं सकते हैं। और ठहरना तो है ही देही अभिमानी में, है? तब तो इतना ऊंचा बनेंगे ना। इतना माने कितना है? कितना ऊंचा है? लक्ष्मी नारायण, अभी बताया, नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर में जाने के लिए इतना ऊंचा बनेंगे, तब जब देही अभिमानी में ठहरेंगे, क्योंकि सारा दिन बहुत वेस्ट करते हैं टाइम, है? नहीं तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है, और ये सारा दिन झरमुई झगमुई करते ही रहते हैं। ये एक दो से पूछना, समाचार पूछना, इनका समाचार, उनका समाचार, ये हूबहू ऐसे बाबा के पास बच्चे हैं
जैसे कि वो सिंध में होते हैं ना एक दो। सारा दिन जरमुई जगमुई। कहां का मिसाल दिया है? सिंध वालों का मिसाल दिया। वो उन सिंधियों की बुद्धि में ज्ञान की तो बात ही नहीं ध्यान में आती है। किन सिंधियों की बात हुई? वो बाहरी दुनिया में जो सिंधी रहते हैं उनके लिए ज्ञान की बात की क्या? नहीं। उनकी बात की जो है तो ज्ञान में, लेकिन ज्ञान की जो बात है वो बुद्धि में बैठती नहीं। जरूर शास्त्रों में जिनका मिसाल है, काम के आधार पर नाम दिया हुआ है, जरा सिंधी जरा जीर्ण, तो ऐसे भी बच्चे हैं थोड़े क्या? ऐसे ऐसे जरा सिंधी बहुत नहीं है, थोड़े हैं। और सुनते देखो कितना। है क्या खासियत बताई उनकी? सुनते बहुत है। और किसको सुनते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे बन करके सुनते हैं या कुख वंशावली बन करके सुनते हैं? है सुनते हैं माना कान से सिर्फ सुनते हैं, मन बुद्धि से बिल्कुल गहराई में विचार नहीं करते हैं। रोज रोज बाबा के पास बैठ करके सुनते हैं और सुनने में इतने एक्सपर्ट हैं कि जैसी वाणी बाबा चलाएंगे वैसी हूबहू शब्द पूरी वाणी रिपीट कर देंगे। तुम तो फिर भी दूर रहते हो क्या? तुम माने कौन है? राम वाली आत्मा अकेली। अच्छा है आठ। चलो यहां वालों को तो देखो देखने में कितने नजदीक बैठे हुए हैं, दुनिया समझेगी तो ये तो बड़े नजदीक पहुंच गए। तो ये तो दुनिया में भी गायन है ना, क्या घर की गंगा को मान नहीं देते? देखो बाबा के घर में बैठे हुए हैं, शिव बाबा खुद ही ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन शिव सुप्रीम सोल की वाणी के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है। है समझते ही नहीं है, सुनते हैं सिर्फ। घर के एक चित्र का कोई मान नहीं। क्यों? यहां कृष्ण रखा है ना चित्र, फिर उनका मान क्यों नहीं करते हैं? है
अरे जब मान ही नहीं रखना है कृष्ण का, तो भला क्यों जाते हैं श्रीनाथ द्वारे में है? मान कैसे रखा जाता है? है मान, कोई बात कहें तो उन बातों को माने, है बरखिलाफ ना चले, फरमान बरदार बने, ईमानदार बने, वफादार बने, आज्ञाकारी बने। बजाय वफादार बनने के क्या करते हैं? और ही अपनी अलग से संस्था रजिस्टर्ड कराई लेते हैं। वर्ल्ड रिमूवल ट्रस्ट बना लेते हैं बाबा को बताए बगैर। तो वफादार हुए है? बेवफा, मान रखा, अपमान किया ना। चोरी छुपे क्या क्या करते रहते। जब मान नहीं रखना है तो चाहे हद का श्रीनाथ द्वारा हो, चाहे बेहद का श्रीनाथ द्वारा हो है? अभी अभी कौन से श्रीनाथ द्वारे की बात हो रही है? अभी तो बेहद का श्रीनाथ द्वारा है ना प्रैक्टिकल में। तो क्यों जाते हैं श्रीनाथ द्वारे में जब मान ही नहीं रखना है? अरे कृष्ण का चित्र श्रीनाथ द्वारे का चित्र घर में नहीं रखा है? घर में भी तो रखा है ना, तो उसके ऊपर पहाका देते हैं। क्यों पहाका ये देते हैं? कि देखो चीज तो वही है ना, जो घर में जड़ चित्र रखा हुआ है सोई जड़ देह का चित्र जिसको तुम सुनते हो वो यहां भी रखा हुआ है। जड़ है कि आत्मा है, क्या है? अरे बेहद के श्रीनाथ द्वारे में है, चैतन्य श्रीनाथ द्वारे में आत्मा रखी हुई है श्री कृष्ण की, या देहंकारी बैठा हुआ देह अभिमानी आत्मा है, क्या है? है आत्मा है। अच्छा अने वो सिंधियों की बात हो रही है। बाबा का ध्यान खास जरा सिंधी के ऊपर चला गया, पुराना पुराना सिंधी उनके लिए बोला, क्यों जाते हो बेहद के श्रीनाथ द्वारे में? वो कोई आत्मा बना है क्या? आत्मा बना? आत्मा तो नहीं है, तो जड़ चित्र। जैसे घर में जड़ चित्र रखते हो वैसे यहां अभी। फिर घर में जो चित्र रखा है उनका ही मान नहीं है, वहां जड़ चित्र देखने के लिए श्रीनाथ द्वारे में क्यों जाते हो मंदिर में? वो हद का भक्ति मार्ग का मंदिर हो या ज्ञान मार्ग का बेहद का मंदिर हो है? जब अपमान ही करना है तो क्यों जाते हो वहां? तो वहां जाते हो तो जैसे घर के चित्र का मान नहीं रखते हो है? वैसे श्रीनाथ द्वारे का जो चैतन्य मंदिर है, मंदिर माने घर,
उसका भी मान नहीं रखते हो। अरे चीज तो वही है ना, लक्ष्मी नारायण घर में बैठे हुए हैं ना, फिर ऊपर में क्यों जाते हो दूर दूर दर्शन करने के लिए? ऊपर में माने था? अरे साक्षात्कार में जाते हैं ना तो ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं? ऊपर में क्यों जाते हो दूर दूर दर्शन करने के लिए है? क्यों भला जाते हो? भला घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र रख दो ना है? चैतन्य मंदिर में या जड़ मंदिर में जाने की क्या दरकार है? अरे इस बेड़ला मंदिर में जाने की क्या दरकार है? क्योंकि बेड़ला ने जो मंदिर बनवाए हैं वो कौन से लक्ष्मी नारायण के बनवाए हैं? क्या समझ के बनवाए है? संगम के लक्ष्मी नारायण के समझ के बनवाए या सतयुग के आदि में जो लक्ष्मी नारायण हुए पहली डायनेस्टी में सतयुग में उनके बनवाए? तो उस बेलड़ा मंदिर में भी जाने की क्यों दरकार रखी है? चीज तो वही है ना बच्ची, बेलड़ा मंदिर में भी जड़ चित्र रखे हुए है और तुम ऊपर जाते हो साक्षात्कार में है, गांधीधार में जाते हो ना या संदेशियों को भेजते हो, तो वहां भी जो बैठे हैं सूक्ष्म शरीरधारी है वो चैतन्य है संपन्न है, वो है जो नर से नारायण बनते हैं या कोई दूसरे है? जो नर से नारायण बनते हैं वो तो आत्मा क्या बन जाते हैं? पक्का पक्का आत्मा बन जाते हैं। और बाकी जो नारायण हैं वो पक्के पक्के नारायण आत्मा बनती हैं है? पक्की पक्की आत्मा नहीं बनती हैं, तो जरूर देवान रह जाता है द्वापर युग से जब द्वैतवादी दुनिया में आते हैं विधर्मियों के बीच, विदेशियों के बीच, विदेशी धर्म पिताओं के बीच, तो क्या होता है? तो देह अभिमान का भूत चढ़ जाता है, बहुत पाप करते हैं तो सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, फिर उन सूक्ष्म शरीरधारियों की पूजा करते रहते हैं। विधर्मी विदेशी हैं और जबराइल फरिश्ता वगैरह को सूक्ष्म शरीरधारी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो वो आत्मा बनते हैं क्या सूक्ष्म शरीरधारी या अधूरे रह जाते हैं? अधूरे रह जाते हैं। तो देखो चाहे बेलड़ा मंदिर में जाओ है, चाहे श्रीनाथ दरबारे में जाओ हाँ, चाहे जड़ में जाओ चाहे चैतन्य में जाओ, चीज तो वही रखी हुई है ना बच्ची, फर्क तो नहीं है ना। आत्मा वो है कहाँ? श्रीनाथ दरबारे में जो छत्र रखे हैं, ना आत्मा वो है जो बिरला मंदिर में चित्र रखे हैं, और ना आत्मा ये बने हैं है जिनको तुम सुनती रहती हो, क्या सुन करके सुनाती रहती हो, बहुत सुनते हो बहुत सुनाते हो, तो बस इतना देखते हैं कि हाँ वो बड़ा मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, श्रीनाथ द्वारे का बड़ा सुहैना है, पॉम्प एंड शो बहुत बढ़िया है, आत्मा हो या ना हो है? हाँ क्या क्या खासियत बताई है?
दिखावट ही ज्यादा है कि ओरिजिनलिटी है? दिखावट ही ज्यादा है। तो जो दिखावटी है वो किसको फॉलो करने वाला है? चमक धमक है, किसको फॉलो करता है? अरे कौन से धर्म में चमक धमक ज्यादा होती है? किस चीज से? तो चमक धमक बहुत, दिखावा बहुत करते हैं, बड़ा सुहैना है। तो वो जा करके वहां उनको लव लग जाता है। क्या क्या लग जाता है? बड़ा सुहैना है, बड़ा अच्छा है श्री कृष्ण, यही भगवान होगा गीता का। उनको प्यार लग जाता है, जा करके वो सुहैना बड़ा लगता है। बस अब देखो बच्चे, अब चीज तो एक ही है ना, चाहे जड़ मंदिर में जाओ चाहे यहां चैतन्य मंदिर में आओ, ना ये आत्मा है ना ना वहां वो आत्मा है, आत्मा तो है नहीं है। अच्छी चीज क्या होती है? अविनाशी चीज क्या होती है? आत्मा या जड़ शरीर है? आत्मा अविनाशी है ना, है आत्मा में ही गुण होते हैं, आत्मा में ही शक्तियां होती हैं, जड़ शरीर में थोड़ी शक्ति और गुण होते हैं। तो देखो ये भक्ति मार कैसा चरिया खरिया है। क्या बाहर की दुनिया की बात की कि अंदर की दुनिया की भी बात कर रहे हैं? है अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में भी संसर्षठ में बात कर रहे हैं बाबा कि ये भक्ति मार्ग देखो कैसा चरिया खरिया है, बस सुनना और सुनाना, कीर्तन सुनना और कीर्तन कराना, ढोल मजीरे बजाना। अभी मालूम पड़ता है, है? अभी माने कभी है, संगम में जब बाप आते हैं तो आकर समझाते हैं ना कि ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग कैसी चर्याई लगी हुई है भक्ति मार्ग में। चर्याई बोले पागलपन, लिंग, अच्छा लिंग की पूजा है, लिंग की पूजा करते हैं, अरे शिव की पूजा करें ना, शिव को लिंग होता है? शिव तो निराकार है, है? होता है नहीं होता तो पूजा कैसे करें? भले शिव निराकार है फिर भी कोई साकार मनुष्य में प्रवेश करके इस सृष्टि पर पार्ट तो बजाता है ना। तो जिस मुकर रथ में आते हैं शिव बाप उसकी पूजा करो, पूजा ही करना है तो। अच्छा घर में आकर के पूजा करो है, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि मंदिर में जाओ तब ही पत्थर का लिंग बनाए उसकी पूजा करो। कौन कहते हैं तुमको कि पूजा मत करो है? बाबा ने कभी कहा क्या कि न खुद पूजा करो न दूसरों को करने दो? पूजा करने के लिए किसी को रोकने के लिए मना किया है क्या? नहीं किया। तो देखो मंदिर में भी पत्थर है ना बच्ची है, अरे
तुम घर में आकर के पूजा करो, कौन कहते हैं? पत्थर के सिवाय और तो कुछ नहीं है ना। मंदिर में पत्थर है, पत्थर का लिंग बना के रखा है, कुछ और है नहीं? कुछ और का मतलब आत्मा है उसमें नहीं? ये लिंग जो होते हैं ना, है ये कहां से आते हैं जो मंदिरों में बना बना के रखे जाते हैं? लिंग हो, शालिग्राम हो, ये कहां से आते हैं? शालिग्राम भी आत्मा की यादगार, लिंग भी आत्मा की, परमपिता की यादगार, कहां से आते हैं? पता है कहां से आते हैं? पता ही नहीं है। संगम से आते हैं। अरे कहां माने, जिस स्थान की बात होती है, पहाड़ से आते हैं। पहाड़ में पत्थर बहुत होते हैं ना, हाँ, तो पहाड़ से आते हैं लिंग। किस बात की यादगार है? है कि ऊंची स्टेज का जिस तन में प्रवेश करते हैं, उस तनधारी के द्वारा ऊंची स्टेज की यादगार है। क्या मन बुद्धि से ऊंची स्टेज में जाते हैं, बुद्धि को नीचे नहीं आने देते। नीचे माने भ्रष्ट इंद्रियों में, गड्ढे में नहीं जाने देते। जैसे गीता में कहा ना, उद्धरे तात्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादय, उत हरेत, हरेत माने हरण करके ले जाए, उत माने ऊपर, आत्मा को मन बुद्धि को ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए, है मन बुद्धि को नीचे पाताल लोक की तरफ गड्ढे में नहीं जाने देना चाहिए। पाताल में कौन रहते हैं? शास्त्रों में लिखा पाताल में तो राक्षस रहते हैं, है दैत्य, क्या कहते हैं, दानव। तो जहां जाना चाहिए वहां जाना चाहिए, जहां यादगार रखी है शिवलिंग की, कहां से आते हैं तो समझना चाहिए ना। ये शिवलिंग हो, शालिग्राम हो, ये पहाड़ से आते हैं, नदी में घिसते घिसते, ज्ञान गंगाएं होती है ना, उनके जल में, ज्ञान जल में घिसते घिसते, आपस में टकराते टकराते पहाड़ से आते है। किसकी यादगार? अभी बात किसकी हो रही है? अरे लिंग की बात हो रही ना, तो कहां से आया यादगार बनी है, माने कहां से आया होगा? ऊंची स्टेज से आया होगा। दिखाते हैं ना कि शिव शंकर भगवान कहां रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और नहीं तो बताते हैं कहां, ओ अमरनाथ की पहाड़ी पर रहते हैं। अरे पहाड़ से आते हैं तो पत्थर आपस में घिस घिस करके, वो आपस में टकरा टकरा के क्या हो जाते हैं, लिंग बन जाते हैं। अरे वो पत्थर जो पहाड़ से आते हैं, उनको नदी में से उठा के लाते हैं, फिर उनको मंदिर में स्थापन करते हैं, है या शालिग्राम की बटिया बना के मंदिर में घर में पूजा करते। अरे तुम उस पत्थर को, शिवलिंग को घर में बैठ के बनाओ ना, क्या करो? पत्थर को घर में बैठ के नहीं बना सकते, है क्या करो? है इसको ज्यादा मालूम है, ये पता है उसको, वो छेनी लेके हथौड़ा लेके तोड़ दे रहा हूं, तार तार तार, ये झाड़ मारा दरवाजा, वो झाड़ मारा रैक को, तार तार तोड़ते रहो, कैसे कुछ बाचा से फोड़ते रहो, कुछ कर्मणा से फोड़ते रहो, तोड़ते रहो। अच्छा पत्थर को बैठ करके बना तो
ऐसा अच्छा पत्थर नहीं बनेगा क्या? है? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा? हाँ, माता जी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया पत्थर बनेगा। ठीक है, जितना बाहर से आता है उससे ज्यादा अच्छा पत्थर तुम बना सकते हो। क्या क्या करो, क्या करो? छेनी, छेनी जानते हो? एक हथौड़ी, तार तार तोड़ते जाओ, तारते जाओ। क्योंकि वो जो दो आते हैं ना ऊपर से, क्या लिंग ऊपर से आते हैं ना, उनमें उनमें जरा जरा सोने का भी हिस्सा लगा होता है। क्या जरा जरा? ज्यादा नहीं, सच्चाई थोड़ी होती है। सोना, सोना माने सच्चाई की यादगार। जरा जरा सोना भी लगा हुआ है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोना है, सोना है, सच्चाई भी है। किसकी यादगार? अरे वो किसकी यादगार जो सोना लगा हुआ है? अरे जिस तन में बाप प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, वो तनधारी आत्मा 84 जन्म लेते लेते 84 जन्म की सीढ़ी नीचे उतरते उतरते थोड़ा बहुत सच्चाई रहती है कि नहीं रहती है दुनिया के मुकाबले? है? दुनिया तो बिल्कुल बिल्कुल झूठी हो जाती। तुलसीदास ने तो लिख दिया, झूठ है लेना झूठ है देना। क्या लेते हैं अपने पास जो रखते हैं वो भी झूठ, देते हैं वो भी झूठ। झूठ है लेना झूठ है देना, झूठ है भोजन और चबाने वाली चीजें भी झूठ चबेगा। लिख लो, झूठ है लेना झूठ है देना, झूठ है भोजन झूठ चबेना। कितनी बढ़िया बात। अरे ये गाया जाता है ना, गायन यादगार कहाँ के हैं? जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं ना संगम युग में, है तब वो जो जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करते हैं वो रथ भी तो एक तरह से जड़ पत्थर बुद्धि बन जाता है ना आखिरी जन्म में। बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाती है कि थोड़ी बहुत रहती है? थोड़ी बहुत रहती। तो गाया जाता है दुनिया में कि कैलाश पर्वत जो है वो सोने का पर्वत है। कहां दिखाते हैं? शंकर जी तो वहां बैठे हुए दिखाते हैं कैलाश पर्वत, यहां सोना है, सोना वहां से आती है। कहां से? पत्थरों में, कैलाश पर्वत से सोना आती है। कहां की यादगार? जरूर उस मुकर्रर रथधारी ने ऊंची स्टेज में जाकर के याद किया होगा। किसको? जो सच्चे ते सच्चा है 100%। कौन? सच्चे ते सच्ची 100% आत्मा कोई है दुनिया में पार्ट बजाने वाली? है शिव सुप्रीम सोल गॉड फादर। तो वो तो परमधाम के वासी हैं। है भले इस सृष्टि पर आते हैं तुम बच्चों को आप समान है बनाते भी हैं और कहते भी कि तुम बच्चे परमधाम को, जहां से मैं आता हूं घर से, उस घर को तुम यहां भी उतार लो। तो तुम भले यहां उतार लेते हो लेकिन मैं यहां नहीं रहता हूं। क्या तुम्हारे घर में तो तुम्हारी जो तुम्हारे धर्म की कुल की सूर्यवंशी आत्माएं होंगी वो ही उस परम धाम में रहेंगी, ऊंची थी ऊंची। तुम तो ऊंच बन गए ना बच्चे, त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों के नाथ बन जाते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं जहां अंडे अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, और चाहे कीड़े की हो, मकोड़ों की हो, पशुओं की हो, पक्षियों की हो, मनुष्यों की हो, देवताओं की हो, उन आत्माओं के साथ मैं सबके साथ रहता हूं। बाकी
ये तो पक्की बात है कि सोना तो पहाड़ों पर ही होता है, पहाड़ों से ही निकलते हैं ना बच्चे सोने, तू समझा कौन सा पहाड़ है? ऊंची स्टेज में है बाप को सुप्रीम सोल को जो याद करने की बात है ना मन बुद्धि से, तो वो मन बुद्धि रूपी आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। तो फिर जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं शरीर से, तो वो सच्चाई रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। 1867 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो वो जो सोना लगा हुआ भी है जरी जरी सा पत्थर में, वो पत्थर बहुत मिलते हैं, ऐसे नहीं थोड़े पत्थर हैं, है? और कैलाश पर्वत पर रहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, तो वहां उनके साथ उनके संगी साथी भी रहते होंगे कि नहीं? परिवार के लोग कौन? रुद्रना कहते हैं ना, तो उनमें जरा बहुत भले जन्म जन्मांतर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, कलयुग में आते हैं सतयुग से उतर करके, थोड़ी बहुत सच्चाई तो रहती है ना नंबर बार। तो वो पत्थर बहुत मिलते, ऊंची स्टेज पर जो खोजने जाएंगे तो उनको मिलेंगे, बहुत ढूंढ ढूंढ करके आकर के वो यहां इन पत्थरों को इस दुनिया में बेचते हैं। किनको किनको बेचते हैं? ज्ञानियों को कि भक्तों को? भक्तों को। पत्थर भी बेचते हैं। अरे किसको बेचते हैं? है? पत्थरों को भी बेचा जाता है क्या? हाँ, मूर्तियों को बेचा जाए तो सुना है कि बहुत बहुत दाम लेकर दे करके जो क्रिश्चियंस होते हैं उन्हें बहुत प्यार होता है, तो पुरानी पुरानी मूर्तियां समझ करके उनको बहुत ढेर सारा पैसा दे के खरीद लेते, लेकिन पत्थर सिर्फ, मूर्ति मूर्ति कुछ नहीं, उसको भी बेचते हैं, तो कहां की यादगार है? इसी संगम युग की यादगार है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं इस सृष्टि पर, तो जो आत्माएं ऊंची स्टेज में जाकर के मन बुद्धि से बाप को याद करती हैं, तो उनमें ताकत भर जाती है जन्म जन्मांतर की सच्चाई की ज्ञान की, तो वो सोने जैसी उनसे मिसाल दिया जाता है कि उनमें सोना होता है। जो पत्थर बहुत अच्छे अच्छे गोल और चिकने चिकने पत्थर होते हैं शिवलिंग के, घिस घिस करके आपस में नदी में टकराए टकराए करके क्या करते हैं, एकदम करके क्या हो जाते हैं, हाँ? ऐसे अच्छे लगते हैं कि उनको बैठ करके आकर के पूजते हैं। बस वो तो पत्थर उठा के कुछ भी, ऐसे पत्थर तुमको ढेर मिलेंगे बच्ची, है? पत्थर मिलेंगे, ऐसे नहीं कि तुम बच्चियों को नहीं मिलेंगे, ढेर पत्थर मिलेंगे। किसको? तुमको। कौन सी बच्ची से बात किया? रुद्रमाला की बच्ची से बात किया या विजयमाला की बच्ची से बात किया? जगदम्बा से बात किया है? जगदम्बा को मिलने से भी क्या फायदा, मिलता भी है और फेंक के भाग जाती है, कोई फायदा नहीं। तो कौन सी बच्ची से बात किया?
हाँ रुद्रमाला में बच्चियों से। अच्छा सन 67 में बात किया, सन 67 में बाबा के सामने रुद्रमाला की बच्चियां सब थी। अरे पहला बच्चा भी नहीं था साकार। हाँ विजय माला की जो बच्चियां हैं है उनके लिए बोला, तुमको ढेर मिलेंगे बच्ची ऐसे पत्थर मिलेंगे, माने भविष्य में कि वर्तमान में। हाँ आगे चल करके तुमको इसी जीवन में ऐसे पत्थर ढेर मिलेंगे मार्बल के। क्या कैसे? ऐसे नहीं काले काले हैं, सब काले ही काले होंगे, नहीं मार्बल तो सफेद भी होता है ना, गोरा एकदम मार्बल के पत्थर। आगरे में जाओ। कहां कहां जाओ? क्या रहा? आग रहा। आहा आग हो गया या क्रोध में आकर के आग बबूला हो गया। बात किसकी हो रही है, ये आग बबूला कहां से कूद पड़ा? किसकी बात हो रही है? शिवलिंग की बात हो रही है, माना बाबा को सोमनाथ मंदिर की याद आ गई, यादगार में वहां जो सात्विक बनाया था ना शिवलिंग, वो पत्थर कैसा था? लाल, लाल रंग की बात की यादगार है, क्रोध की यादगार। हा तो आगरे में जाओ तो वहां एकदम ढेर पत्थर मिलते हैं। कैसे? बोई सफेद भी मिलेंगे लाल भी मिलेंगे, और वो तो वहां बनाते हैं खास मार्बल के पत्थर बनाते हैं। क्या क्या नाम दिया? हा? जिनका बल मार दिया है। क्या लिंग में क्या बल होता है? कुछ बल होता है क्या? हाँ बहुत बल होता है। सारी दुनिया का जो स्वर्ग की दुनिया के जितने देवताएं हैं देवात्माएं सबका सत्यानाश कर देते हैं। सत्यानाश करने वालों में बल हुआ कि नहीं हुआ? है होते मार बल के बन जाते हैं, माने एकदम काले पत्थर से भी क्या बन जाते हैं, गोरे बन जाते हैं। तो मार बल के हैं जबकि हैं चित्र घर में है, ऐसे मार्बल के घर में भी हो सकते हैं कि नहीं? तो घर में बैठ करके पूजा करो, पूजा ही करनी है तो घर में बैठ के करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो यही है कि हाँ ये पत्थर का ही भगवान है। वो फिल्म में आजकल गीत बनाए ना, पत्थर के सनम तुझे हमने क्या जाना, बड़ी भूल हुई। अरे बाप रे क्या भूल हो गई, पत्थर का निकला ये तो पत्थर दिल है, इसके ऊपर कोई असर ही प्यार म्यार का कोई असर नहीं होता। तो तुम घर में बैठ के पूजा करो ना, यही तो भगवान है ना तुम्हारे लिए, पत्थर वाला ही भगवान है कि पारस बन गया। हा? पत्थर वाला कोई भगवान होता है? पत्थर तो भगवान नहीं होता है, भगवान तो पारस बुद्धि कहा जाता है, पार्श्वनाथ जैनियों में यादगार है, है? और उसकी यादगार है पारस पत्थर, ऐसा पत्थर जो किसी को छू दो, लोहे को भी छू दो तो सोना बन जाता है, ऐसा संग का रंग लगाता है। तो ये बात बुद्धि में तो बैठती नहीं, बुद्धि में तो बैठा हुआ है पत्थर का है, यही भगवान है।
पीछे कोई भी मंदिर हो, ये बद्रीनाथ का मंदिर हो, अमरनाथ का मंदिर हो, अरे फलाने फलाने मंदिर में जाने की क्या दरकार है, जा वो ही पत्थर है। तो देखो भक्ति मार्ग में कितना दिखावा करते हैं। क्या दिखावा कर दिए हैं? क्या दिखावा करते हैं? अरे पत्थर की पूजा करते हैं और कहते हैं हमें भगवान मिला, हम भगवान की पूजा करते हैं। और भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम पत्थर की पूजा करते हो तो एकदम बिगड़ जाएंगे। क्या बिगड़ जाएंगे? या प्रसाद देंगे प्यार से है? नहीं बिगड़ पड़ेंगे। तुमको कहो है, तुमको कहो कि पत्थर की पूजा क्यों करते हो तो तुम तो खुश होंगे, हाँ पत्थर की तो पूजा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तो अंधश्रद्धा टूट गई ना। तो तुम बोलते हो कि हाँ, ठक से बोल देते हो, ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करते हैं। कौन? भक्ति मार्ग वाले टाइम वेस्ट करते हैं। तुम ठक से क्यों बोल देगो, टाइम वेस्ट करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में इतनी जल्दी कैसे बैठ जाता है? सबको एकदम बैठ जाता है या जल्दी जल्दी या नंबर वार बैठता है? नंबर वार बैठता हूं। नंबर वार बैठता है कि नहीं? नंबर वार बैठता। कोई आत्मा होगी जिसको अव्वल नंबर में ये बात बैठी हुई हो? क्या ये तो पत्थर को पूजना अंधश्रद्धा की पूजा है। कौन आत्मा होगी वो है? वो आत्मा कौन सी होगी जिसको बुद्धि में बैठता हो ये पत्थर की पूजा है, नहीं करना चाहिए? राम वाली आत्मा है, कब बुद्धि में बैठ गया? राम वाली आत्मा को कब बुद्धि में बैठ जाता है? अरे कब बैठ जाता है? कुछ टाइम भी होगा, 5 दिसंबर को बैठता है। अच्छा, उससे पहले वो हमेशा तमोप्रधान ही रहती है, कभी आत्मिक स्थिति में रहती ही नहीं है? अरे जो आदि में थी आत्मिक स्थिति में, सृष्टि के आदि में, तो अंत में भी आत्मिक स्थिति में कुछ न कुछ तो सोना रहेगा कि नहीं रहेगा है? तो एकदम कब से बुद्धि में बैठता होगा है? याद है? अरे 1936 से, 1936 से बैठता है। 1936 में ज्ञान पूरा हो गया था क्या बुद्धि में है कि हम आत्मा है, ज्योतिबिंदु है, हमारा बाप ज्योतिबिंदु है, पूरा ज्ञान था? बेसिक ज्ञान भी पूरा नहीं था, वहां की भी बात नहीं, वहां की तो बिल्कुल ही बात नहीं। क्यों है? बिल्कुल बात नहीं वहां की। क्यों? क्योंकि वहां तो जब पत्थर बुद्धि बच जाते हैं तो बस वो ही दुनिया के प्रभाव में आकर के पक्के ही पत्थर बुद्धि के आत्मा सो परमात्मा शिवो हम ब्रह्मा अस्मि, बस ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में बैठती है। तो उससे पहले की बात, उस आत्मा को जो एकदम सृष्टि के आदि में सच्चा सोना बनी हो, सच्चाई बुद्धि में त्रिकालदर्शी का समान त्रिकालदर्शी बनी हो, तो वो आत्मा एकदम पत्थर बुद्धि बनती होगी क्या? कि कुछ सच्चाई रहती होगी है? रहती है।
तभी तो यादगार बनाते हैं, है? यादगार बनाते हैं स्वर्णलिंग, है? सोने की दुनिया में सोने का लिंग की यादगार, रजत लिंग चांदी का लिंग बनाते हैं, कहां की यादगार? त्रेता युग की यादगार, ताम्रलिंग तामे का लिंग बनाते हैं, कहां की यादगार? अरे कुछ बोलता नहीं, द्वापर युग की यादगार, और लोहे का पत्थर का लिंग बनाते हैं, कहां की यादगार? कलयुग की यादगार। तो इसका मतलब यह है एकदम तो पत्थर बुद्धि टोटल नहीं बनता है। कब से बनना शुरू होता है? द्वापर युग से बनना तो शुरू होता है। सच्चाई तो विदेशियों के संग से के रंग से भारतवासियों में सच्चाई खत्म हो जाती है, प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति पाते हैं। तो बताया क्या बताया? तुम तो बता देते हो ठक से। हाँ, तुम्हें जब सच्चाई का ज्ञान मिलता है कि तुम आत्मा हो, तुम जड़ शरीर नहीं हो, तो तुम्हारी बुद्धि में ठक से बैठता है कि भगवान भी कोई जड़ मूर्ति थोड़े ही होगा, है? जिसमें प्रवेश करेगा तो चैतन्य हो कोई पार्ट बजाएगा कि जड़ पार्ट बजाएगा? कैसा पार्ट बजाएगा? चैतन्य पार्ट बजाएगा ना। तो पहले तुम भी टाइम वेस्ट करते थे पत्थरों की पूजा करके, हैं? और उनके लिए भी तुम बोल देते हो, अरे ये भक्ति मार्ग जाते टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें तो फौरन यहां आ जाना चाहिए बाबा की सच्ची सच्ची बातें सुनने के लिए। बाबा खुद आकर के कहते हैं टाइम वेस्ट करते हैं, धक्का खाते हैं मंदिरों में, है? तीर्थों में ये शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, ये मंदिर बनाए हैं शास्त्रों के आधार पर। सब पैसा तुम बच्चों ने ड्रामा प्लान के अनुसार जितना बाप ने दिया था तुमको नई सृष्टि बनाने के समय सारा बर्बाद कर दिया। कौन सा पैसा है? कौन सा पैसा? बेहद का ज्ञान धन का जो संपत्ति है वो सारी तुम बच्चों ने बर्बाद कर दी, ड्रामा प्लान अनुसार बर्बाद कर दी, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं। तो फिर बच्चे कहते हैं कि हमारा दोष क्या है बाबा, जब ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा हमने कर दिया, कल्प पहले भी ऐसे ही किया था और कल्प कल्पांतर भी ऐसे ही करते रहे, तो हमारा कोई दोष है क्या? तो वो बात तो बाबा मानते, ये बात तो तुम कह सकते हो क्या कि हमारा कोई दोष नहीं, ये तो ड्रामा में नूद है, जन्म जन्मांतर का हर आत्मा का पार्ट, हर आत्मा रूपी बैटरी में जो भरा हुआ है, बैटरी कहो रिकॉर्ड कहो है टैप कहो, वो ही चलता है। आगे तो ऐसे नहीं कह सकते थे, आगे माने जब ज्ञान में नहीं आए थे हैं, तब थोड़े ही ऐसे कह सकते थे कि दोष क्या है। अभी तो समझ गए, अभी जब बाप बैठ करके समझाते हैं बोलते हैं ये तो भक्ति मार्ग में जब ड्रामा में पार्ट ही है तो फिर तुम्हें ऐसा करना ही पड़ा। चलो वो बात छोड़ दो भक्ति मार्ग की, अभी 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 भक्ति मार्ग में हो क्या? अभी तो ज्ञान मिल गया ना, जड़ की पूजा करना चाहिए है या चैतन्य की पूजा करनी चाहिए है? जड़ शरीर की पूजा करना चाहिए या चैतन्य बाप जो कभी जड़ बनता ही नहीं सदा चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है उसकी पूजा करनी चाहिए? पूजा माने मान मर्तबा देना। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे करना पड़ा तो कोई बात नहीं,
तो बाबा बोलता है हाँ भक्ति मार्ग में तो तुम्हें धक्का खाना ही पड़ा, पार्ट में ऐसे तो है ही तुम्हारे पार्ट में कि भक्ति मार्ग में तुम्हें धक्के खाने पड़ते हैं, परंतु अब क्या करो, अब ज्ञान मार्ग में तो धक्का खाने की दरकार नहीं है ना, दरकार है नहीं, क्या करो। ज्ञान मार्ग में तो एक बाप को पहचानो और पहचान करके याद करो, कहीं धक्का खाने की दरकार नहीं। बाबा तो कहते 7 दिन का कोर्स लो, भट्टी करो और भले बिलायत में चले जाओ, खूब सेवा करो, खूब मनन चिंतन मंथन करो, ज्ञान सुनाओ, कोई हर्जा नहीं है, तुम उच्च पद पा सकते हो। जितनी सेवा करेंगे, जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, बाबा किस बात से खुश होते हैं, है? भक्ति से खुश होते हैं, है? भक्ति माने मूर्तियों की भक्ति करते हैं, जड़ मूर्तियों की, उससे खुश होते हैं, जड़ शरीर की भक्ति करने से खुश होते हैं, या पहचान करके याद करने से खुश होते हैं, है? उसके लिए भटकने की दरकार ही नहीं। तो ज्ञान से होता है सुख और भक्ति से होता है दुख। अब ज्ञान में आने के बाद भी अगर भक्ति करते हैं जड़ शरीर की, तो भक्ति से क्या मिलेगा, दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, अरे क्या मिलेगा, है? दुख ही मिलेगा। तो दुख की निशानियां क्या हुई है, ये दुख की निशानियां हैं कि तुम्हें जितना ज्ञान का भंडार दिया था खूब, वो तुमने सारा ही गवाए दिया, और जड़ चित्रों की या जड़ देह की बैठ करके पूजा करने लग पड़े। तो ये सब है निशानियां भक्ति मार्ग की, पैसा गंवाना है, तीर्थों के पिछाड़ी ये सब करना, वो करना, ये करना। बाप कहते हैं ये तो सारा ही भक्ति मार्ग है, क्या क्या बताया है, भक्ति मार्ग में पैसे बर्बाद करना, तीर्थों में जा करके अपनी टिपर घिसना, शरीर घिसना, इन सबके पिछाड़ी ये करना वो करना। तो अभी तुमको बाप समझाते हैं बच्ची है? बच्ची को ही क्यों समझाते हैं, कभी बच्चा बच्चा क्यों नहीं बोल देते है? क्यों है, सामने बच्ची बच्ची बैठी है, कोई बच्चा नहीं बैठा होता है, बाबा के सामने कोई बच्चा नहीं बैठा होता था, बैठा होता ना, तो बच्चा भी कभी कहना चाहिए ना। बच्ची ये दुर्गति मार्ग है, ऐसे कभी कोई कहेगा सन्यासी ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है, अगर कहें तो उनके जड़ शरीर की पूजा करना बंद कर देंगे, उनको अच्छे अच्छे भोजन बना के खिलाते हैं, गुरुजी महाराज आए, रोज तो आते नहीं है, इनकी अच्छी से सेवा करें, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान पकौड़े बना करके खिलाएं, फिर कोई पूजा करेगा है? नहीं, कोई सन्यासी ऐसे नहीं कहेगा के भक्ति करना दुर्गति मार्ग, ये तो बाप ही कहते हैं। क्या ये जड़ चित्रों की भक्ति करना या जड़ शरीरों की भक्ति करना, ये क्या है, ये भक्ति मार्ग। कोई मनुष्य इस दुनिया में नहीं होगा जो ऐसे कहे कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग और ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग। तुम तो बोर्ड लिख करके टांगते हो, है? क्या बटांगते हो, एक शिव बाबा से सदगति, अनेक गुरुओं से दुर्गति। क्योंकि दुनिया में चाहे किसी भी धर्म के गुरु हो,
देवी देवता सनातन धर्म वालों के ही, हिंदू धर्म वालों के ही गुरु हो। वो क्या कहते हैं है? ये कहते हैं क्या कि गुरुओं से दुर्गति होती है? नहीं, क्योंकि गुरु सब भक्ति मार्ग सिखाते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ही आत्मा से आता है, है? लेकिन आत्मा तो ज्ञान नहीं सुना सकती, आत्मा तो निराकार है। तो कोई शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाते हैं, उस शरीर के घर के द्वारा भी कहते हैं मां मैं एकम, याद करो मुझे, एक के द्वारा ही तुमको ज्ञान मिलेगा, दूसरे के द्वारा ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ज्ञान है सदगति मार्ग, क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति, भक्ति अनेक गुरुओं से आती है। तो देखो अभी तो ये ज्ञान चीज ही अलग हो जाती है। क्यों अलग हो गई है? किस बात में अलग हो गई? बता दिया ना, भक्ति एक व्यक्तित्व के द्वारा आती है, एक पर्सनालिटी के द्वारा है, एक शख्सियत के द्वारा ही ज्ञान आता है, और बाकी अज्ञान माने भक्ति, अनेक शख्स बैठे हुए हैं, अनेक मनुष्य हैं इस दुनिया में जो दुर्गति भक्ति का ज्ञान दे करके दुर्गति कराते हैं। तो क्या लिखना चाहिए, क्या समझना चाहिए? ज्ञान से सदगति और भक्ति से दुर्गति, माना ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति। बल शास्त्रों में लिखते हैं हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। फिर कहते हैं हमसे भी ज्ञान सुनो, उस गुरु से ज्ञान सुनो, कोई भी गुरु करो, एक गुरु करना जरूरी है, ऐसे कह देते जैसे सारे गुरु ज्ञान सुनाते हो। अरे सच्चा एक है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, या अनेक होंगे, गॉड ही तो ट्रुथ कहा जाता है ना, अनेक कैसे ट्रुथ सच्चे हो सकते हैं? कहते भी हैं सत्यम सोम सुंदरम, वो ही सदाशिव है। तो बाप से ही ज्ञान के द्वारा मुक्ति और सदगति जीवन मुक्ति मिलती है, और भक्ति से दुर्गति मिलती है। ओम शांति।